नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण गरसा स्वागत करता हूं आपका गरसा एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो JVVNL हेल्पर सेकंड के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने, कौन से वो 15 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी हुई है जो आपको लेके जाना है, वरना आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पहले ही बाहर हो जाओगे अगर वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए। दूसरी बात, हम आपको ऑफिशियल साइट पर ले जाएंगे और आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसे कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल आपके लिए ऐसे ही वीडियो, चाहे वो राजस्थान पुलिस पे हो, चाहे रेलवे पुलिस या RRB जो ग्रुप डी भर्ती है, या जो भी लोको पायलट से रिलेटेड थी, अभी SSB, CISF और जो ITBP हेड कांस्टेबल के एग्जाम हुए उनसे रिलेटेड, और जो BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड, SSB मिनिस्ट्रियल वाले, टोटल वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। तो यदि आपको ऐसे वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए एग्जाम्स के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो भी हम लेटेस्ट अपडेट आती है फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद मैं अपने लैपटॉप पे आपको वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा और वो 15 डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहाँ जानकारी दी गई है वो भी कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का पहला डॉक्यूमेंट्स है आपको, जो आपने JVVNL में हेल्पर सेकंड में जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका प्रिंट आउट, यानी जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट वो ले जाना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है आपको। सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों यहाँ पर फीस रिसिप्ट, यानी जो JVVNL हेल्पर में आपने जो फीस पे की थी जितने अमाउंट की, उसकी ऑनलाइन एक रिसिप्ट जनरेट हुई थी, वो आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स में। आज का थर्ड डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपकी 10th की मार्कशीट है, क्योंकि 10th बेस्ट भर्ती थी। दूसरी बार 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैच की जाएगी, तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है दोस्तों। चौथा सर्टिफिकेट है यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड का सर्टिफिकेट लेके जाएं, और मैरिड है तो मैरिड का सर्टिफिकेट लेके जाइए, ये आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। आज का पांचवा डॉक्यूमेंट है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको स्कूल या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से ले जाना है। उसके साथ ही दो, जो स्कूल के अलावा दो अन्य सरकारी लोगों से उसे अटेस्टेड करवा के ले जाना है, यानी उसको सत्यापित करवाना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आज का छठा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो ये डिक्लेरेशन कि आपकी मैरिज कब हुई थी, आपके कितने बच्चे हैं और आपकी वाइफ का नाम, और ये टोटल डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनवा के ले जाना है दोस्तों। और जो जिनका शादी नहीं हुआ उनको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है उनको। 7th नंबर पे आज का डॉक्यूमेंट्स है, यदि आपके बच्चे हैं तो उनमें कोई डिसेबल बच्चा है, यानी मानसिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग कोई भी बच्चा है आपका खुद का, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो डिसेबल बच्चे का सर्टिफिकेट होगा वो आपको ले जाना पड़ेगा। आज का 8th डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों मूल निवास, यानी डोमिसाइल, यानी अपना खुद का जहां आप रहते हो उसका जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो लेके जाना है, वो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बनवा लीजिए प्लीज़। तो आपको आज का डॉक्यूमेंट्स मूल निवास, मूल निवास के बाद 9th डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों कि यदि आप एक्स सर्विसमैन या TSP एरिया या स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट या TSP एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा, वरना आप डायरेक्ट ही वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे दोस्तों। तो आज का 10th डॉक्यूमेंट है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया था वो आपको लेके जाना है दोस्तों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। आज का जो 11th डॉक्यूमेंट है दोस्तों, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कोई डिसेबिलिटी है आप में, तो आप अपना डिसेबिलिटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट बनता है कि आपका इतना परसेंट शारीरिक या मानसिक जो भी आपको डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है कि आपको इतनी डिसेबिलिटी है। 12th डॉक्यूमेंट है दोस्तों
कि डिक्लेरेशन दैट नोट ए पुलिस केस, यानी आपको पुलिस केस नहीं है इसका सत्यापन, यानी इसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो अपने नज़दीकी पुलिस थाना, जो आपका पुलिस थाना, उससे आपका डिक्लेरेशन ऑफ नोट ए पुलिस केस वो बनवा के ले जाना है दोस्तों। आज का 13वां डॉक्यूमेंट है दोस्तों एज रिलैक्सेशन, यानी आज आपने जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम राजस्थान गवर्नमेंट का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था JBBNL का, उसमें आपने एज रिलैक्सेशन लिया था या नहीं लिया था उससे, यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा दोस्तों। आज का नंबर 14 पे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, यदि आपने किसी JBBNL की किसी इकाई या कोई यूनिट में आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया, जैसे बहुत से ये जो अपने विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी होते हैं, यदि आपने भी उसके रिगार्डिंग काम किया है तो अपना वो सर्टिफिकेट लेके जाइए जो आपने वहाँ पे काम किया है वो, और आप 4 से 5 फ़ोटो, जो लेटेस्ट आपकी फ़ोटो है रंगीन फ़ोटो, वो 4 से 5 फ़ोटो लेके जानी है। तो इस तरह से ये दोस्तों 15 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैंने सीधे वहाँ से बना ली थी आपके लिए देख के, और ये मैं आपको जो ऑफिशियल साइट है उस पर दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान के ऑफिशियल साइट से। तो ये देखिए दोस्तों, गूगल अपना ओपन कीजिए, मोबाइल का या लैपटॉप जो भी आपके पास है, फिर इस पर JBBNL यहाँ पे ये सर्च करेंगे जैसे ही आप, तो ये खुल रहा है आपके सामने। तो ये JBBNL रिक्रूटमेंट राजस्थान एनर्जी, तो ये ओपन होगा जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए नीचे जैसे ही आएंगे इस पर लिंक कॉल सर्विस पोस्टिंग ऑर्डर शेड्यूल, ये देखिए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ हेल्पर सेकंड, ये जो आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये डाउनलोड, ये आपका रिजल्ट था जो हेल्पर सेकंड का था, डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB आप जैसे फिलअप करेंगे, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, जैसे हमने ये रजिस्ट्रेशन नंबर और इनकी DOB को फिलअप किया है, फिर यहाँ पर लॉगिन कीजिए, ये देखिए ओपन हो रहा है दोस्तों। के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ये इनका डाउनलोड हो चुका है, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, इनका रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों 13 सितंबर को 9 बजे, और ये इसमें एड्रेस दिया इन्होंने जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बिल्डिंग RRVPN कबीर मार्ग बनी पार्क जयपुर में ही है इनका, और ये इसमें इंस्ट्रक्शन जो आपको मैंने बताए थे अभी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आप अपने कंप्लीट चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको हिंदी में बताए थे, इन्होंने इंग्लिश में दिया है। और ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म जिनके बारे में बोला था वो ये हैं दोस्तों, तो इसमें आपका जो ये डिक्लेरेशन आपको करने हैं जो आपको बताए थे कौन कौन से मैरिज से रिलेटेड पुलिस केस से रिलेटेड, ये टोटल इसमें दिया है, और ये यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और ये मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ इस कैंडिडेट की। तो इस प्रकार से आप दोस्तों अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।